चुनावी मौसम में चप्पे चप्पे पर पुलिस होने के बाद भी बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वो दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में तीन हथियारबंद बदमाशों ने जिला पंचायत सदस्य के घर पर धावा बोलकर लाखों की लूट को अंजाम दे दिया। सूचना पाकर पुलिस और भाजपा के कई आला नेता तत्काल मौके पर पहुंच गए। वही लूट से गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से लुटेरों का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तीन आदमी आए थे और बस लूटपाट करके चले गए। ज्वेलरी रखी थी और 2 लाख रुपए कैश थे। नहीं, नुकसान तो नहीं पहुँचाया, बस डरा रहे थे। मेरे मुंह में पिस्टल वगैरह दी थी और माइके और यहाँ पे वो रख रहे थे ब्लेड और इसके भी रख रहे थे यहाँ पे ब्लेड। ये साइड में बैठी हुई थी ना पीछे हाथ पे, नहीं वो मुझे बांध के फेंक आए सीधा अंदर की तरफ। गेट तो खोल दिया था उन्होंने, बैल कुछ नहीं बजाई थी, सीधा आए। बस मुझे जैसे मैं यहाँ से उठी ना, मैं तो यहाँ बैठी थी ना, तो माई गई फट से कि मम्मी गेट खुलने की आवाज़ आई। मैंने कहा पता नहीं, मैंने कहा इसके पापा की गाड़ी की आवाज़ भी नहीं आई, मैंने कहा पता नहीं कौन। तो माई गई कि मम्मी पता नहीं कोई है और वो सीधा अंदर चला आ रहा है। तो मैंने कहा बस मैंने कहा अंदर चला आ रहा। मैंने कहा हाँ भैया कि चल अंदर। बस यहाँ ले जाकर मेरे मुंह में वो देती थी पिस्टल ऐसे कि मार दे, पहले ख़त्म कर देना, पहले ख़त्म कर दे, टाइम क्यों लगा रहा। ये पीछे बैठ पे कितने लोग थे? तीन। कनखल क्षेत्र में संदेश नगर में ऐसी सूचना मिली है हम लोगों को कि एक घर में चोरी की घटना हुई है और हम लोग मौके पे हैं। इस समय टीमें गठित की हुई हैं हम लोगों ने और टीमें लगाई हुई हैं इसमें और घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। क्या सामान गया है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, घर वालों से पूछताछ कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। प्रथम ऐसा लगता है कि दिन में कुछ लोग जो घर के बारे में या इस क्षेत्र के बारे में जिन्हें अच्छी तरीके से जानकारी है वो यहाँ आए होंगे। बाकी आगे की जानकारी हम लोग जैसे अन्वेषण होगा इसमें जानकारी मिलेगी तभी बता पाएंगे। ऐसी जो सूचना प्राप्त हो रही है बताया जा रहा है कि इसमें तीन लोग शामिल थे।